इफ वांट टू बोलिए। इम्प्रूव द कोर ऑफ द रेमेडी ऑफ कोर ऑफ द रेमेडी ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी व्यक्तित्व के कोर को समझना है, किसी के रूट कॉज को समझना है, तो आपको 3 डी हर केस में लेना, नंबर डी, और तीनों का सीक्वेंस में बता दे रहा हूं, नंबर डी और नंबर डी 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 डी, 3 डी, 3 डी निकालना सीख लीजिए। पहला डी, सबसे पहले सपने अफेक्ट होंगे उसके। हनीमन साहब ने बहुत 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 इजी वे में समझाया है, फुटनोट 9 एंड फुटनोट 10, फुटनोट 11, ये सारे फुटनोट इसी डी के बारे में है। 3 डी को बताने के लिए जो फुटनोट है लिख लीजिए, फुटनोट 9, फुटनोट 10, फुटनोट 11, ये 3 फुटनोट है, ये 3 डी को समझाने के लिए है। नहीं बोलते हैं सोलोमन ड्रीम और एक ऐसे फैंसी सुपरस्टिशियसनेस जो कहता है कि हम मर जाएंगे, मरने वाले हैं, मरने वाले हैं, डेथ प्रिडिक्ट कर देना, ये सब तीन डी के डिलीरियम अंतर्गत आता है। पहला डी है ड्रीम, दूसरा डी डिलीरियम, डिलीरियम, और तीसरा डी है डेल्यूजन। मेरे दोस्त, होम्योपैथी प्रैक्टिस अगर आपको करनी है और सच में करनी है, सच में पेशेंट को ठीक करना है, पेशेंट का अम्यूजमेंट वगैरह, अब बताओ जरा हमें, तो कौन सा प्री डिसाइडेड मेडिसिन में ड्रीम डिल्यूजन डिसाइडेड होता है? इसके लिए आपको प्रॉपर केस लेना, रेमेडी का कोर समझना, कौन सा एफोर्जन इसके बारे में लिख लीजिए, पूरा का पूरा मेंटल डिजीज पे लिखा हुआ है, पूरा मेंटल सेक्शन ये है, एफोरिज्म, सॉरी फुटनोट, फुटनोट 9, फुटनोट 10 और फुटनोट 11। इधर जाइएगा तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, और यही समझना है हर दवाई में। और रूब्रिक के फॉर्म में भी जाइएगा तो आपको ड्रीम दिखेगा, आपको डिल्यूजन दिखेगा, आपको डिलीरियम। अब डिलीरियम डिल्यूजन क्या है ये बता चुका हूं, यहां पे एक बार और बताता हूं, हमेशा डिलीरियम किसी न किसी पैथोलॉजी के साथ आएगा जो रनिंग पैथोलॉजी होगी, डिलीरियम ट्रेमेंस याद है, डिलीरियम फीवर ड्यूरी, डिलीरियम किसी न किसी पैथोलॉजी के साथ आ रहा है, तो आप कोई ना कोई ऐसा मेंटल अल्टरेशन किसी किसी पैथोलॉजी के साथ आ रहा है तो उसे डिलीरियम। अभी हमने एक दवाई दी डिलीरियम पेन दी हुई, पेन के दौरान वो बहुत तड़पड़ा रहा है, फड़फड़ा रहा है, इधर उधर कर रहा है, ऐसे आपको रूब्रिक मिल जाएंगे डिलीरियम के, बट इससे हायर डिग्री में जाएंगे तो डिल्यूजन। डिल्यूजन को कहते हैं फॉल्स परसेप्शन, फॉल्स परसेप्शन, सिंपल, दिस इज कॉल्ड अ डिल्यूजन। हम फील कर रहे हैं लेकिन फॉल्स बिलीव होता है, परसेप्शन नहीं होता है, फॉल्स बिलीव होता है, हमने मान लिया और जो माना है, जो बिलीव, फर्म बिलीव हो, फॉल्स बिलीव इज कॉल्ड डिल्यूजन। और यही 3 चीज कोर ऑफ द रेमेडी को बताएंगे। इसके ऊपर जाइएगा तो 2 चीज और पकड़ लीजिएगा, 2 चीज और पकड़िएगा, पहला पकड़िएगा एलिमेंट फॉर्म, और नीचे आइएगा तो सेंसिटिविटी देख लीजिएगा। तो अगर आपको किसी रेमेडी के कोर को समझना है तो क्या समझना है लिख लीजिए, इसमें भी मैं 5 का पंजा बता देता हूं आपको, ये भी 5 का पंजा है, 5 का पंजा, हमारे क्लास में हमेशा क्या चलता है, 5 का पंजा। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कोर ऑफ अ पर्टिकुलर रेमेडी, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट द एलिमेंट फॉर्म, सेकेंड D3, यू नो D3, एंड द फोर्थ, ये D3। अब D3 को 3, ये हो गया, और तीसरा डॉक्टर साहब व्हाइट बोर्ड से क्या हो नोट जाएगा, निकाल लो। सेंसिटिविटी। अब ये D3 को डिवाइड करिए, ड्रीम
डेल्यूजन, सॉरी ड्रीम, डिलीरियम और डेल्यूजन। क्लियर? देखिए कभी कभी हम पढ़ रहे हैं कुछ और बात हो जाती है कुछ और ये कभी कभी बीच में जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक नहीं है, तो आपको ये 3 डी याद रहेगा सर, डिलीरियम ड्रीम डिलीरियम डिल्यूजन, और यही 3 डी किसी रेमेडी का कोर होता है। थोड़ा मिर्च मसाला डालना है तो थर्ड थर्ड इज डी, डिलीरियम। देखो चलो ऐसे लिख देते हैं, एलिमेंट फॉर्म पहला लिख लीजिए, 5 लिख देते हैं। दूसरा लिखिए ड्रीम, तीसरा लिखिए डिलीरियम, चौथा लिखिए डेल्यूजन, पांचवा लिखिए सेंसिटिविटी। थैंक ये 5 चीजें किसी भी रेमेडी के कोर को बताएगी, और यही जरूरी होता है सर मैम, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द रेमेडी प्रॉपरली, सर। इफ यू पांचवा कौन है वांट। सर? हाँ जब आप बोलते हैं ना तो माइक बोलते हैं आप, सर, उधर बिल्कुल पांचवा ब्लैक पांचवा। बोर्ड पर सुनाई नहीं पड़ता क्या बोल जाते हैं, मतलब मुंह उधर अच्छा चला जाता है, माइक इधर रह अच्छा जाती है। लिखिए 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 लिखिए, आवाज लिखिए लिखिए, हम बता देते हैं। लिखिए पहला क्या है, एलिमेंट, दूसरा क्या है ड्रीम, तीसरा क्या है डिलीरियम, चौथा क्या है डिल्यूजन, पांचवा क्या है सेंसिटिव। याद रहेगा आपको, याद रहेगा आप लोगों को ना। देखिए सर पांचवा का मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं सर। ठीक सेंसिटिविटी का मीनिंग नहीं समझ पा रहे, कौन अच्छा समझिए समझिए सर। ठीक बोला ऐसा, कौन क्योंकि है ऐसा, आवाज नहीं, आवाज स्लो आ गई थी ना इसलिए नहीं समझ में आ रहा था। तो कौन है पांचवा जो बोला है समझ नहीं आया, अभी बताते हैं उसको। तुम्हारा सेंसिटिविटी हमको पता है, सेंसिटिव टू सफरिंग ऑफ अदर, जयकेश चौहान, जयकेश यादव, समझ रहे हाँ सर 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 समझ रहे जयकेश का सेंसिटिविटी पता है, सेंसिटिव टू सफरिंग ऑफ अदर। तो देखिए यही 5 चीज है जो आपको किसी रेमेडी के कोर तक लेके जाता है, और यही होम्योपैथी। ये 5 चीज, ये देखो ड्रीम डिल्यूजन और डिलीरियम, ये चीज आपको जेनेसिस ऑफ पैथोलॉजी में लेके जाएगी। यही चीज आपको जो 3 शरीर की बात करते हैं हम लोग ना, क्या बताओ, भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्म शरीर, शरीर मन और आत्मा, शरीर मन और आत्मा, तो शरीर पे बीमारी लेके आता है, लेकिन उससे पहले वो बीमारी मन और आत्मा पे होती है। तो मन और आत्मा समझना है तो 5 चीज समझ लीजिए, अगर किसी भी इंसान के मन, किसी भी इंसान के आत्मा को समझना है, उसके इमोशन और उसके कंसाइंस को समझना है, तो आपको ये 5 चीज जाननी पड़ेगी। पहला एलिमेंट फॉर्म, दूसरा ड्रीम डिल्यूजन डिलीरियम सेंसिटिव। अब देखो इसी के कॉन्टेस्ट में अगर हम इस 5 डिल्यूजन को देख लें, बस इसी, ये जो डिल्यूजन था, ये जो डिल्यूजन था अभी अमोनियम्स का जो हम देख रहे थे, बेसिकली अमोनियम म्यूर का जो डिल्यूजन देख रहे थे, अब इस डिल्यूजन को देखिए, इस डिल्यूजन से उसके आत्मा पे क्या चल रहा हो या उसके मन पे क्या चल रहा होगा, कौन देखेगा कि हम बिस्तर के नीचे छुप गए हैं, कौन देखेगा हमारे बिस्तर के नीचे दुश्मन छुपे हुए हैं, कौन देखेगा हमारे सर पे तलवार लटकी है, कौन देखेगा आग, आग इज व्हाट, इमरजेंसी सिचुएशन, राइट। तो जो ऐसा सपना देख रहा है, जो इस तरह के डिल्यूजन्स को फील कर रहा है, आपको लगता है उसका मन कभी शांत रहेगा? यही है डिसकंटेंटमेंट, और डिसकंटेंटमेंट इज अ थीम ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का थीम यहां से दिख रहा है। ड्रीम देख लीजिएगा तो आप परेशान हो जाएंगे कि इसके सपने कैसे होते हैं। आप देखो सपने देखो इसके।